चलो देखिए, तीसरा मेथड हमारा है दैट इज मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड से एक डाटा का हमने मीन निकालना, मीन निकालना है डाटा का, और कंटिन्यूअस डाटा होगा उसको स्टेप डिविएशन मेथड से हमने मीन निकालना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, शॉर्ट में मैं बोल रहा हूं, फॉर्मूला याद, फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला इसकी ये है, देखिए एक्स बार इज इक्वल इट इज ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन इनटू आएगा एच, ये इसकी फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला है ना, ये आपको पता है ए इज द एज्यूम्ड मीन, ए को हम एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। अब नई दो क्वांटिटीज आ रही है, एक क्वांटिटी आ रही है एच और दूसरी क्वांटिटी आ रही है यू आई। देखो एच जो हमारे पास है ना, एच को देखिए, एच इज द गैप, गैप किसकी गैप है, इट इज द गैप ऑफ इंटरवल, इंटरवल की गैप है ये। देखो अगर आपके पास इंटरवल ये होगा ना 0 to 10, 10 to 20, देन द गैप मीन्स अगर कोई आपको बोलेगा इसमें से बोलिए एच कितना है, देन एच इज इक्वल टू 10 माइनस 0 या 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, मीन्स गैप ऑफ द इंटरवल इज इक्वल टू 10। यही 10 आपको यहां पे मल्टीपल करना है, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये यू आई क्या है मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा, फॉर्मूला आप याद रखेंगे a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय n इनटू h, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, ये फॉर्मूला आपकी है और ये फॉर्मूला किसके लिए है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ द डाटा बाय द मेथड कॉल्ड स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड से हमने मीन निकालना है, फॉर्मूला आपके पास ये है। एग्जाम्पल मैं दूंगा और एग्जाम्पल आपके बुक पे भी होगी, आप एग्जाम्पल को देखिएगा और बाकी सारे क्वेश्चंस आप इसी तरह करेंगे। एग्जाम्पल मैं एक दूंगा और एग्जाम्पल को आप देखिए, एग्जाम्पल देखिए आप एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले यहां पे आपका क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल आपको पता है क्लास इंटरवल हमारा 0 to 2, टू टू फोर, फोर टू सिक्स, सिक्स टू एट, एट टू टेन, टेन टू ट्वेल्व, ट्वेल्व टू 14, ये हमारा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद आपके पास होगा एफ आई मीन्स इट इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, 1 to 1, 1 2 1, 5 6 2, 5 6 2, एंड लास्ट में आपका 3 है, और इसको मैंने आपको बोला है इसको ऐड कीजिएगा, एंड दिस सम इज इक्वल टू, ये आपको पता है दिस सम इज इक्वल टू 20। अब आप इसके बाद क्या निकालते हो, हम निकालते हैं इसके बाद मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं, दैट इज एक्स आई, एक्स आई मिड पॉइंट निकालेंगे, और मिड पॉइंट यहां पे निकाल रहा हूं, दैट इज 0 plus 2 divided by 2, दैट्स इक्वल टू 1, 2 plus 4 divided by 2, दैट इज 6 divided by 2, दैट्स इक्वल टू 3, देन इट्स 5 आपको पता है, देन इट्स 7, then it's 9, then 11, then 13. अब आप इसके बाद क्या निकालेंगे यहां पे, इट इज डी आई, डी आई, डी आई मैंने आपको बोला है इस डाटा की मिडिल वाली टर्म देखनी है, मिडिल वाली टर्म आपने कल देखा, ये वाली टर्म इसकी मिडिल वाली टर्म होती है, ये इसकी मिडिल वाली टर्म है। अगर ये डाटा की मिडिल वाली टर्म है ना, इसके ऊपर 3 नीचे 3, मतलब
इसके अकॉर्डिंग में आप क्या करेंगे, मैं इसको अब रब कर रहा हूं क्योंकि आपको ये समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। मैंने इसकी मिडिल वाली टर्म ले ली, अब मिडिल वाली टर्म लेने के बाद ये हो गया आपका ए, दिस इज द एज्यूम्ड मीन। पहला है हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन को एज्यूम्ड मीन के साथ ही माइनस करते हैं, मतलब यहां पे आपका जीरो आएगा। देन 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2, इसकी फॉर्मूला आपको पता है, दैट्स इट इज एक्स आई माइनस ए, 5 माइनस ए इज इक्वल टू -2, 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4, देन 1 माइनस 7 इज इक्वल टू -6। नीचे क्या आएगा अगर यहां से आ गया ना, -2 -4 -6, नीचे आप सीधे लिखेंगे +2 +4 +6। बस अब इसके बाद आपको पता है करना क्या है, यू आई हमें लाना है। ये हो गया आपका यू आई। देखिए यू आई किसके इक्वल होता है, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाय क्लास साइज, दैट इज एच। एच मैंने आपको बोला था इट इज 2 माइनस 0, दैट इज 2, या 4 माइनस 2, दैट इज 2, दैट इज यहां पे लिखेंगे आप इट इज यू आई डिवाइडेड बाय 2। ये 2 कहां से आया, ये 2 कहां से आया पहले वो देखिए आप, ये 2 मैंने यहां से लाया 0 माइनस 2, इसकी डिफरेंस दैट इज 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, यही 2 हमने डिवाइड करना है। यहां से इसको माइनस कीजिए, डिवाइड करना है फिर, दैट इज 2 माइनस 0 दैट इज 2, वो डी आई को डिवाइड करना है। जब आप यहां पे 2 इसको डिवाइड करेंगे ना, आपका आंसर आएगा -3। इसको 2 डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आएगा -2। इसको 2 डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आएगा -1। इसको 2 डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 0। 2 डिवाइड कीजिए 1, 2 एंड 3, ये हो गया। कहां से मैंने किया इसको, यू आई डिवाइड बाई 2 मैंने कहां से लाया, 2 यहां से आ गया, क्लास साइज, क्लास साइज दैट इज 2 माइनस 0 दैट्स क्लास साइज, क्लास साइज डी आई को डिवाइड करते हैं। अब आपका लास्ट स्टेप है दैट इज एफ आई को मल्टीपल कीजिए यू आई के साथ, एफ आई यू आई। देखो एफ आई आपका यहां पे, यू आई आपका यहां पे, इट इज 1 इंटू -3 दैट्स इक्वल टू -3, देन 2 इंटू -2 दैट्स इक्वल टू -4, देन 1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1, देन 5 इंटू 0 दैट्स इक्वल टू 0, इसके बाद 6 इंटू +1 दैट्स इक्वल टू 6। नाउ इट इज 2 इंटू +2 दैट्स इक्वल टू 4, देन लास्ट में 3 इंटू +3 दैट्स इक्वल टू 9, इसके नीचे लिखेंगे आप समेशन ऑफ एफ आई यू आई। इसका आंसर देखिए क्या आएगा, हां देखिए 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 6 इज 19, 19 हमारा पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव कितना आएगा, -1 -4 इज -5, -5 -3 दैट इज इक्वल टू -8, आ गया -8, 19 में से निकालिए -8, आपका आंसर आएगा 11, आपका आंसर आ गया, मीन्स समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू 11 हो गया। अगर 11 हो गया ना, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या क्या किया, फ्रीक्वेंसी आपके पास है, क्लास इंटरवल आपके पास है, मिड पॉइंट निकालना आपको आता है, मिड पॉइंट जब मैंने निकाला ना, फिर मैंने डी आई निकालना है। किसके इक्वल होता है, इट इज एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए मतलब इस वाली टर्म को, ये ए है और ये एक्स आई बी है, मीन्स इसमें क्या करना है, इस वाली टर्म को अपने आपके साथ माइनस, क्योंकि ये मिडिल मोस्ट टर्म है, 0। फिर 5 को 7 के साथ माइनस -2, 3 को 7 के साथ -4,
वन को सेवन के साथ माइनस सिक्स, फिर मैंने आपको बोला माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स आ गया ना ऊपर से, नीचे से आएगा पॉजिटिव टू पॉजिटिव फोर पॉजिटिव सिक्स, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी को शक होगा वो ये कर सकता है, एक्सरसाइज नाइन, ए इज सेवन, नाइन माइनस सेवन दैट्स पॉजिटिव टू, अलेवन माइनस सेवन पॉजिटिव फोर, थर्टीन माइनस सेवन पॉजिटिव सिक्स। फिर आपको क्या निकालना है, यू आई, यू आई के लिए मैंने फॉर्मूला दे दी, डी आई डिवाइड बाई टू, डी आई डिवाइड बाई टू, टू मैंने कहां से लाया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू मैंने कहां से लाया, टू मैं क्लास का साइज देख रहा हूं, क्लास इंटरवल का साइज, दैट इज टू एंड जीरो, यानी ये जीरो से लेकर टू तक है, मतलब इसका साइज कितना होगा, हाइएस्ट माइनस लोएस्ट, हाइएस्ट इज टू माइनस लोएस्ट इज जीरो, टू माइनस जीरो इज इक्वल टू टू, किसी भी इंटरवल में देखिए, देखिए यहां पे टेन माइनस एट टू, ट्वेल्व माइनस टेन इट इज टू, दैट्स वाई कंटिन्यूअस जरूरी होना चाहिए, अगर कोई डिसकंटिन्यूअस होगा उसको पहले कंटिन्यूअस बनाना है, अदरवाइज गलत है। अब चलिए यहां तक मैंने कर दिया, अब आपको समझ आ गया, हाँ ये यू आई क्या है, ये डी आई जो है ना इसको डिवाइड टू करना है, सिक्स को टू डिवाइड किया माइनस थ्री, फोर को टू डिवाइड किया माइनस टू, टू को टू डिवाइड किया माइनस वन, हाँ फिर जीरो वन टू थ्री, ये आपको पता है। लास्ट में मैंने एफ आई को मल्टीपल किया यू आई के साथ, एफ आई इसको एग्जैक्टली मल्टीपल किया इसके साथ, ये है मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका, मैंने इसी तरह मल्टीपल कर दिया, जिनको मैंने हाईलाइट किया ना उन्हीं को मैंने मल्टीपल कर दिया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। देखिए ये है मल्टीपल करने का तरीका, मुझे मिला समेशन ऑफ एफ आई यू आई, हाँ इज इक्वल टू अलेवन, फॉर्मूला देखिए, नाउ फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन इन टू, मैंने बोला था एच, ये आपको पता है एच कहां से आ गया, एच इज द क्लास साइज, ए ए एज्यूम्ड मीन है दैट इज सेवन प्लस समेशन एफ आई यू आई दैट्स अलेवन डिवाइडेड बाय एन, एन इज इक्वल टू ट्वेंटी इन टू एच, एच इज क्लास साइज टू माइनस जीरो, टू माइनस जीरो इज इक्वल टू टू, इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे आप, आपका लास्ट में आंसर आएगा सेवन प्लस वन पॉइंट वन, सेवन प्लस वन पॉइंट वन विच इज इक्वल टू एट पॉइंट वन, यही आंसर आपका आना चाहिए एट पॉइंट वन, एट पॉइंट वन, फॉर्मूला याद रखेंगे आप, फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखेंगे आप, फॉर्मूला याद रखिए, हां गौर से क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मूला याद रखिए, इट इज सेवन प्लस अलेवन डिवाइड बाई ट्वेंटी, ट्वेंटी इंटू टू दैट इज अलेवन इंटू टू इज ट्वेंटी टू डिवाइड बाई ट्वेंटी दैट्स वन पॉइंट वन, वन पॉइंट वन अगर आ गया ना टोटल आपका आंसर आएगा सेवन प्लस वन पॉइंट वन, सेवन प्लस वन पॉइंट वन इज इक्वल टू, इक्वल टू दैट्स एट पॉइंट वन, कहां पे हाँ गौर सर, गौर सर देखिए देखिए देखिए, ये देखो ये टर्म क्या है, अलेवन डिवाइड बाई ट्वेंटी इंटू टू, पहले आप अलेवन को टू से मल्टीपल करेंगे बनेगा ट्वेंटी टू डिवाइड बाई ट्वेंटी, कैलकुलेटर आपके पास है, आंसर आपका लास्ट में आएगा वन पॉइंट वन, वन पॉइंट वन जब आएगा ना सेवन प्लस वन पॉइंट वन इज इक्वल टू एट पॉइंट वन, ये हमारा क्वेश्चन था एट पॉइंट वन। क्वेश्चन गौर से देखिए, ऊपर से स्टार्ट कीजिए, क्लास इंटरवल जीरो टू टू, टू टू फोर, फोर टू सिक्स, लास्ट में आएगा ट्वेल्व टू फोर्टीन, फ्रीक्वेंसी है वन टू, हाँ वन फाइव सिक्स टू थ्री, फिर मैंने मिड पॉइंट निकाला,
माइनस इंटरवल को ऐड करके डिवाइड बाय टू आपको आता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। फिर मैंने डीआई निकाला और डीआई आपको पता है डीआई मैं कहां से लाता हूं, देखो इसको भी एक्स आई बोलते हैं, इसको भी एक्स आई, इसको भी एक्स आई, इसको भी एक्स आई, ये भी एक्स आई, एक्स आई को ए के साथ माइनस, सेवन को ए के साथ माइनस, ए खुद सेवन है, सेवन माइनस सेवन इज जीरो, देन एक्स आई इज फाइव, फाइव माइनस सेवन इज माइनस टू, थ्री माइनस सेवन, थ्री माइनस सेवन इज माइनस फोर, डी आई निकालना आपको आएगा। यहां पे अगर कोई आपको फॉर्मूला बोलेगा ना, असल में ये यू आई किसके इक्वल होता है, यू आई इज ऑलवेज इक्वल टू डी आई डिवाइड बाय एच। अब मैंने इसको इसलिए स्किप किया, मैंने ये सोचा कि आप कैसे याद रखेंगे, शॉर्ट में बोलूंगा मैं, ये है असल में एच, एच क्या है, इट इज एच इज इक्वल टू टू माइनस जीरो, टू माइनस जीरो इज इक्वल टू टू, दैट्स वाई मैंने यहां पे लिखा डी आई डिवाइड बाय टू, मतलब डी आई जो भी टर्म है ना टू से डिवाइड करना, सिक्स को कीजिए माइनस थ्री, फोर को कीजिए माइनस टू, और ये आपको पता है। फिर अब क्या करना है, यू आई को एफ आई के साथ मल्टीपल, मैथमेटिशियंस हो मल्टीपल करना आएगा, दैट इज एफ आई यू आई, एफ आई आपका ये है, यू आई आपका थ्री।